सर हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं। सर बताइए वार्ता होगा या नहीं होगा? नमस्कार जोहार, मैं अभी हूँ बुलाकाप में। बुलाकाप में मैं पहला धरना हुआ था जो कि अनिश्चितकालीन धरना का बात रखा गया था। वो तमाम यहाँ पे देख सकते हैं कि बुलाकाप के ग्रामवासी के साथ साथ आसपास के जितना गांव के लोग हैं सब एकजुट हुए हैं। यहाँ पे बात यह है कि आज उन लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे थे। तीन दिन तक धरना में बैठने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा कंपनी के जो रूंगटा फैक्ट्री है उनके कंपनी के जो मालिक है उनके साथ वार्ता होने की है। इस कंपनी को आखिर बंद किया जाएगा कि इसका समाधान निकाला जाएगा, उसको लेकर आज चर्चा परिचर्चा होगा। एक बैठक रखा गया है, वार्ता रखा गया, जिसमें बहुत सारे लोग पहुंचेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा और तमाम महिलाएं पहुंची है इस वार्ता में और उनके साथ समर्थन में पुरुष वर्ग के लोग भी पहुंचे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि टाइगर जयराम मतलब जो कि भाषा खतियान आंदोलन करते रहते हैं, तो जब ये विस्थापन की बात आती है या फिर जितने भी कंपनियों या विकास की बात आती है तो उसमें जो झारखंड की नवनिर्माण की बात आती है तो कहीं ना कहीं टाइगर जयराम मतलब आंदोलनकारी के उपज है। इस आंदोलन में समर्थन दिए, साथ ही साथ बेरोजगार परमेश्वर हो चाहे रविदा हो, आनंद केटियार दा हो, इन लोग सब लोग इस आंदोलन में बैठे थे, जिसके कारण उनके साथ टाइगर जयराम मतलब पहुंचेंगे, कुछ ही वार्ता होगी। और साथ ही साथ इस मोर्चा को संभाल रही है महिलाएं। लाइव आप लोग को दिखाएंगे कि महिला वार्ता अभी 3 बजने को है, लेकिन अभी तक कुछ उधर से नहीं पता चला है कि कंपनी का मालिक कब होगा, तो इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अभी पुलिस प्रशासन भी काफी ज्यादा आ गए हैं कि कुछ ऐसा ना हो अनहोनी। जानना चाहेंगे यहाँ से जो मोर्चा संभाल रही महिलाएं कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले जोहार दे दे कोई तनी बोलवा तनी आगू आओ तो आज एक की बात रखल गई आज वही है जो हम लोग दिए हुए हैं उनको उनको करना है, सिलेक्ट करना है, नहीं तो फिर रोंगटा को बंद करना। तो मतलब कंपनी मालिक से बात है? बात लगा हाँ, आज कंपनी मालिक से डायरेक्ट बात होगा। हम 2:30 बजे टाइम कहते भैया? 3 बजे अभी टाइम की है वो 2:51 मतलब 3 बजने को 9 मिनट बाद है। ठीक है, आप लोग आपका पूरा ग्राम वासी आसपास के जितना लोग प्रचार प्रसार भी किए हैं ताकि इस आसपास के आंदोलन में सबको सहयोग करें। तो ये मतलब कि 3 बजने में अभी 9 मिनट बाकी है, कंपनी के थ्रू या पुलिस प्रशासन के थ्रू आप लोग से कोई बातचीत हुआ? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुआ, अभी तक कुछ बातचीत नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे उसके बाद? अभी अगर 3 बजे के बाद कुछ नहीं होता है हम लोग डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट गेट में ताला बंद करेंगे, बंद करो। जब हम लोग को बात ही नहीं हो रखेंगे तो हम लोग उनका बात क्यों माने? वो हम लोग देखिए हम लोग अनुशन के थ्रू ही चल रहे हैं। वो बोले 3 बजे, हम लोग 3 बजे तक आशा देख रहे हैं ना। 3 बजे के बाद अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग को ही तो कार्रवाई करना पड़ेगा। आस पास के लोग भी यहाँ पे मौजूद हुए हैं कुछ ग्रामवासी नहीं सब है। साथ ही साथ ये आप लोग को कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया में इसका समाधान किया जाएगा इसे कंपनी में, जो कि आप समझ सकते हैं जो बिचौलिए होते हैं। हम आपका बात का समझ रहे हैं और पूरा ग्रामवासियों भी समझ रहे हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा। हम लोग को बहुत ही दुख के थ्रू जीना पड़ रहा है, क्योंकि देख रहे हैं हाल ही फिलहाल में एक बच्चा डेड कर गया, जो कि उनका माँ को आप समझ सकते हैं, एक माँ ही समझ सकती है माँ बच्चा को गुजर जाने से क्या हाल हो जाता है। इसीलिए हम लोग को रोंगटा को बंद करना है, या तो फिर हम लोग जो दिए हुए हैं प्रदूषण पानी और ये सबको बंद करना होगा, और नहीं तो फिर रोंगटे को डायरेक्ट बोरिया बिस्तर बांध के जाना होगा। सब महिला तैयार है कि कुछ महिला तैयार है? आज जो होगा और यह पार देखा जाएगा, चाहे तो बंद होगा या तो फिर हम लोग के नियम के अनुसार चलेगा, क्योंकि हम लोग के साथ रहेंगे तो हम लोग का कहना मानना होगा, और अगर हम लोग का कहना नहीं मानेंगे तो हम उनका कहना क्यों माने? आप लोग का मोर्चा, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग पुरुष वर्ग को उठा के ले जाया जा रहा है, तो वही तो वो तो सोच रहे लेडीज को कहाँ ले जाएंगे, एक लेडीज ले जाएंगे तो सब चल जाएंगे, जेंट्स को धमका के ले जाएंगे, जेंट्स को भी ले जाने नहीं दिए जाएंगे, काहे ले जाएंगे? अगर हम लोग गलत मांग करेंगे तब तो वो ले जाएंगे, हम उनको तो घूस नहीं मांग रहे, जो घूस दोज के उनके थ्रू हमको जेल ले जाएंगे, सही चीज मांगने से जेल ले जाया जाएगा। अगर जयराम मतलब अगर जेल ही ले जाएंगे तो हम लोग सबको ले जाए, हम लोग बाल बच्चा हस्बैंड जितना फैमिली सबको ले जाए, दो खाना देंगे, कपड़ा देंगे, रहने को देंगे, हम लोग फिर यहाँ क्यों रहेंगे? हम लोग हर इंसान को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, खाना पीना चाहिए, बढ़िया से रहना चाहिए, जिस तरह उनका बाल बच्चा पढ़ते उस तरह हमारे बाल बच्चा भी पढ़े, अच्छे से विकसित करे, और क्या चाहिए हम लोग को? जब हम लोग को नहीं मानेंगे तो हम लोग क्यों मानेंगे? और आके देखे हम लोग को गाँव में अपना बाल बच्चा को यहाँ पढ़ाई। तो अभी आप लोग जैसे 3 बज जाएगा उसके बाद फिर शाम हो जाएगा, बारिश का मौसम हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है, हम लोग चलने वाले हैं इसलिए तो खड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन से बातचीत हुई? नहीं, इसलिए तो जा रहे हैं ना, अभी आगे जाएगा बातचीत भी है। हाँ। तो देख सकते हैं कि अभी आप लोग को दिखाएंगे कि महिलाएं यहाँ से अभी जाएंगे पुलिस प्रशासन से बात करेंगे, क्योंकि टाइमिंग भी 3 बज गया है। पहले आप लोग को दिखाते हैं कि आखिर महिलाएं क्या क्या होती है और पुलिस प्रशासन से क्या आह्वान किया जाता है। देख सकते हैं तमाम ग्रामीण महिलाएं
इस मोर्चा को ये रूमटा फैक्ट्री जो कि आलोक स्टील प्लांट की बंद करवाने की बात थी, सभी महिलाएं आज फिर से रूमटा फैक्ट्री के मालिक से वार्ता करने पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी ग्रामवासी के साथ साथ आसपास में के सभी ग्राम के लोग जा रहे हैं, आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूं, साथ ही साथ इनके पीछे मोर्चा संभाल रहे हैं पुरुष वर्ग के लोग जो कि तमाम जगह से आए हैं। ये देख सकते हैं सैकड़ों लोग पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं फिर से आंदोलन कर रहे हैं वार्ता नहीं होने के कारण, और इसमें देख सकते हैं तमाम आंदोलनकारी क्रांतिकारी लोग पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे क्षेत्र में यहां पे आसपास के ग्रामीण और भाषा खटियान आंदोलनकारी सभी लोग पहुंचे हैं, और ये धरना देख सकते हैं कि लाखों लोग हजारों संख्या में भीड़ है। तबियत खराब, और आप लोग बिना यदि कौन आप लोग को अधिकार देता कि बिना जुर्म का बिना FIR का उठा लेना। तीन दिन तक हमारा परिवार में रोया है लोग कि पुलिस उठा लिया। अरे हद मजाक है, आप कौन होते उठाने वाले हमारा जुर्म को? हमारा कहा है जुर्म, जुर्म को ही कर रहा है। आर्टिकल 21 का उल्लंघन, धारा ठोको ना यार, हद मजाक। डीसी कहा, जिला का मालिक कहा, आप लोग कठपुतली के तरह नाचने लगते हो? आप लोग भी तो सवाल कीजिए। हमारा बाप बोलता है ना, जाओ बेटा रामगढ़, आप मुझे काहे ले जाइबो? अरे तो आप लोग भी पूछो ना यार, अनपथा चल जाते हो हाथ उठा के बोर्ड उठा के, ये कोई बात हुआ? आप लोग कभी कहते हो कि हम आप ही के बीच का लोग है, हम आप ही का लोग है। अरे भैया तो हमारा हित में कब आप बात कीजिएगा? आप लोग का एक संविधान को मानने वाले लोग हैं सर, संविधान को जानते हैं, पढ़ते हैं, और लोग अभी भी पढ़ना स्टार्ट किए हैं। यदि जानेंगे तो अपना हर हक और अधिकार के लिए लड़ेगा। यहाँ नेतागिरी कोई बात नहीं, कुछ लोग अपने अपने बीच के भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि फलना फलना को भीतरे किया जाए। अरे भीतरे जाने से क्या डर रहा भाई, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत ना। इस आंदोलन से कितना लोग भीतरे चल गया, कौन रोकने सका? राजेश पटेल चल गया, विकास प्रकाश चल गया, कोई माइकलाल रोकने सका? नीरज चल गया यार, नीरज चल गया, कलू नहीं रहेगा सो? अरे देन एक रे हो, अरे ठोका नहीं यार, ठोका क्या ठोका? कौन मैंने देखा ना गरीब औकात देख के सलामी मत ठोका, बैल गई हो। टैक्स हम लोग भी पे करते हैं आप लोग का सैलरी में, टैक्स हम लोग भी देते, भले 2 रुपया तो 2 रुपया, अरे हम लोग भी एक मालिक का भूमिका निभा रहे हैं सर, वैसा बात नहीं है। आप लोगों देखिए यहाँ पे आम जितना भी लोग है ना, सबके को जानकारी के लिए बताए दियो, जहाँ तक हमारे माइंड काम कर रहे हो, पिछला बार जान बुझ के आधार कर पिछला बार सब जान के यहाँ पे आधार कर इतना गाड़ी दिए मन करो, लेकिन अब नहीं देबो, हम नहीं देबो। अब फैक्ट्रियाला ने लटवा बुता दिलो, इतना अथी देख सकल है, इतना जलन पुलिस प्रशासन आधार में लाठी चले तो देख, ये चैनल वाले वीडियो नहीं बनवे पार्ब तू, से षड्यंत्र के तहत ये सब मारे वाला हल्थी, रवि दा के उठा ले रहे हल्थी, आदमी सबके प्लान ना समझ रहा। अरे 3 बजे टाइम देते हैं, 4 बजे तक खींचेंगे, 5 बजे तक खींचेंगे, अंधार होगा, लाइट उठ तो है नहीं, प्रशासन तो सारा फैक्ट्री का है, फैक्ट्री है क्या जब दिख रहा है? अपना लोग नहीं है, अपना लोग रहता हमारे बातों को कहीं ना कहीं आगे तक पहुंचाने का काम करता, हमारे लोग नहीं है। कभी कभी मन करता है बात हुआ तो हुआ,
आज का इस सबका प्लान है आधार होगा, उठाएंगे लोग डरेगा। अरे भय का माहौल आप सबको बोल रहे हैं, गाड़ी घुमा रहे हैं ना बूढ़ा खाप में, भय का माहौल बना रहे हैं। यही लड़का हम लोग सभी साथ इसके साथ उतरे हैं। हद मजाक करते हो प्रशासन के लोग, भाई आप लोग पढ़े लिखे लोग हो करके भी संविधान, आप लोग एक संविधानिक पद में हैं, लेकिन फिर भी आप लोग का इस तरह का रवैया हमारे समझ से परे है। हम लोग देखिए रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फर्क है, रियल लाइफ में पुलिस से भीड़ जाता है लोग, लेकिन हम लोग वैसा नहीं है सर, हम लोग अभी भी आपसे डर रहे हैं। लेकिन जब एगो कहावत है सर, आप लोग को मालूम होगा, मरता क्या नहीं करता, आज मर रहे हैं, डर खाता भी यार। यदि हम गलत है तो आप लोग तो धैर्य बंदूक लेके आए हैं, ठोकिए इन्हें उन्हें उन्हें जने ठोकिए। यदि हम गलत है तो, और यदि हम गलत नहीं है तो 10 मिनट के अंदर प्रबंधक को बुलाइए और निर्णय निकलना चाहिए, लिखा हुआ निर्णय निकलना चाहिए। यदि नहीं होता है तो हम लोग पुनः ए दादा आज यदि वार्ता ना है वह ककरे ना जाना, का साफ लिख के चलिए भैया, दुनिया लिखित में चल रहा हो। यदि हमारा भाई से जमीन भी लेना होने तो बोल रहा कि उठा जोत तो ना मानबो भैया, भैया के बोले अबे लिख दादा लिख रे, तो यार लिखित चल रहा है, ककरे डरे के जरूरत ना है, हम संविधान से लड़ रहा है। बात बाकी यहाँ के ककरे कोई टेंशन है, नेतागिरी के कोई बात न खे, हम यहाँ कर अधिकार के लड़ाई लड़ रहा है। वह तो बोलो DSP सर अले रजक सर वो भी मुंह बोल दिला है, आर्टिकल 21 के साथ ही उल्लंघन कर रहे हो, सभी के जीवन जिए के अधिकार है। यदि तोर हॉर्न बजवे से हम मोरे रह ने तो हॉर्न बंद कर रहे हैं, तो बंद कर संविधान का है। कई को मर गया कितना प्रभावित अति, अरे भैया हम कैसा से यहाँ कह ले, हम इनो के तनी मनी प्रभाव पड़ल है, समझ ले कि एक पेपर 2004 में एग्रीमेंट कर रहे लकड़ी कुछ फर्नीचर इस टाइप से लकड़ी के नाम पे ले ले है, ठीक हो, और पेपर पैकी के कोई मुंडा हो पैकी के तहा से ले ले है लीज में, लेकिन गलती से पेपरवा, अरे भैया जानबे करा हमने पढ़ा लिखल काम है, वो एग्रीमेंट सर्वे वाला लीज वाला पेपरवा वो साइन करा दिलो हमेशा के लिए, बताओ अब तो इन बतावा सर, पहले तो महिला सब बोला तो उठाए ले भाई, अब तो इन जानिए गला के तो इन उठाइए ले भाई, लेकिन इतना सुन ले सर तो इन बतावा प्रबंधन आएगा कि नहीं आएगा, मालिक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, ताकि हम जान रहे फेंकने वाला लाइट नहीं देगा, आप लोग लाठी चार्ज कीजिएगा। अरे ठीक से भैया एगो आंदोलन साला JPSC में मार खाए हैं जी, ऐसे थोड़ी, तो इसीलिए निवेदन रहते है सूचना सही है, प्रबंधन आएगा कि नहीं आएगा, वार्ता होगा कि नहीं होगा, ताकि आने वाले दिन, अरे भैया तो ही ने संवैधानिक पद वाले के चक्कर में आदमी गलत रास्ता चुना, यदि आज यहाँ से न्याय नहीं मिलते ने तो इतना आदमी के सामने तोहनी गिर जेबे, और जो न्याय व्यवस्था है प्रशासनिक व्यवस्था है ने सब गिर जेते, और सब कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेती, ई चीज तो इनके सोच में कहा है तो जी, तो इनके तो माल फरियावे से मतलब हो, यदि हमारा बाइक से एक तरी धुआं निकलो एगो पेपर ना हो ने तो इनकी कर ला, यदि हम बोल दियो ने पेपर वाले हो तो माना ना है, यदि पोल्यूशन पेपर हमारे घर में है हम बोल दिल तो प्रशासन के लोग मानते ना, अब पेपर दिखावे गाली के साथ, जब महिला सबके अकेला महिला सबके चश्मा न खाओ मांस न खाओ ना पल्ला तो, अरे भैया झारखंड हमारा मान हमारा हम क्यों नहीं आवे, बंगाल जाते थे आंदोलन करने कैसा वाला कोई यहाँ नहीं बुलाना है, यहाँ नहीं बुलाना ये क्या मतलब हुआ भाई, ये क्या मतलब हुआ, अरे सर सुनिए ना सर, 10 मिनट हो गया आएगा कि नहीं,
सुनिए ना, फोन लगाया, फोन सुनिए, यदि हम हमारे पास पॉल्यूशन पेपर नहीं रहता है तो चालान कटता है या तो हवालात मिलता है या फाइन मिलता है। अभी देखिए, अभी अभी देखे होंगे पेट्रोल पंप में काम करने वाला लड़का को फोन जो मार दिया एक फाइन जोर से। अरे हद मजा के भाई, लोकतांत्रिक देश में इस तरह का व्यवहार कौन अधिकार दिया? का जुर्म किया वो लड़का? थाना प्रभारी कहाँ है? का दिया? का जुर्म किया? आखिर उस लड़का का जुर्म क्या है? हम मार देंगे तो हम हो जाएंगे कि नहीं? ऑन द ड्यूटी ऑफिसर से हाथ उठाया। अरे हम भी ड्यूटी कर रहे हैं सर, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग हाथ उठा रहे हो, कौन देगा? आखिर हमारे साथ न्याय कौन करेगा? करेगा कौन? आप लोग अंग्रेजी व्यवस्था चल रहा हो, अंग्रेजी चल रहा व्यवस्था यहाँ। सर हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं सर, बताइए वार्ता होगा या नहीं होगा? वार्ता होगा कि नहीं होगा सर? अरे होगा कि नहीं सर? कौन लगाया?